यूपी में अगस्त माह के आखिरी सप्ताह में होने वाले पुलिस कांस्टेबल भर्ती री एग्जाम को लेकर योगी सरकार की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के इतिहास में होने वाली सबसे बड़ी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में से एक पुलिस कांस्टेबल भर्ती के री एग्जाम पर पक्ष विपक्ष सभी की नजरें लगी हुई हैं। बीते फरवरी माह की 17-18 तारीख को चार पालियों में हुई परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद इस बार योगी सरकार ने विद्यार्थियों की सुलभता से लेकर पेपर व परीक्षा केंद्र की सुरक्षा को लेकर बेहतर तैयारी की है। तो वहीं खबर निकलकर सामने आ रही है कि इस बार पुलिस भर्ती में गड़बड़ी करने वालों पर आजीवन कारावास व 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार आने वाली 23, 24, 25, 30 व 31 अगस्त को दो पालियों में होने वाली परीक्षा के कंट्रोल को लेकर गुरुवार को राजधानी लखनऊ में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। लखनऊ कमिश्नरेट के JCP लॉ एंड ऑर्डर अमित वर्मा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, इस बार बिना जांच के कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में दाखिल नहीं हो पाएगा। मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, कक्ष निरीक्षक से वार्ता कर इस बात के सख्त निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक अभ्यर्थी के एडमिट कार्ड व आधार कार्ड की गहनता से जांच की जाएगी। अभ्यर्थी सिर्फ पेन, प्रवेश पत्र व पहचान पत्र ही परीक्षा हॉल में लेकर जा सकेंगे। महिलाओं की चेकिंग के लिए अलग से महिला पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। इसके अलावा परीक्षा पूरी होने तक कोई भी अभ्यर्थी व परीक्षा केंद्र पर ड्यूटी के लिए तैनात कर्मी गेट के बाहर नहीं जा सकेगा। प्रत्येक केंद्र की 5 ड्रोन टीमों व CCTV से पैनी नजर रखी जाएगी। अभ्यर्थियों की सुलभता के लिए JCP अमित वर्मा ने बताया कि अभ्यर्थियों के परिवहन के लिए रेलवे, मेट्रो व बसों के पर्याप्त आवागमन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके अलावा परीक्षा केंद्र से लेकर बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, टैक्सी स्टेशन आदि तक कहीं किसी अभ्यर्थी को समस्या न हो, इसके लिए यातायात पुलिस की तैनाती की गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस की नागरिक पुलिस विंग में 60,244 पदों के सापेक्ष करीब 48 लाख बच्चे परीक्षा में शामिल होंगे। इतिहास की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में से एक इस परीक्षा पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। आइए सुनते हैं मीडिया से मुखातिब होते हुए JCP अमित वर्मा ने क्या कुछ कहा। इसमें जो बच्चे आए, जो बच्चे बाहर से आएंगे, उनकी व्यवस्था के लिए हम लोगों ने स्पेशल ट्रेन भी आग्रह करके स्पेशल ट्रेन भी स्टेशन से चलेंगी, क्योंकि पर डे जो है लगभग 1.25 लाख लोग जो है इसमें दूसरे प्रदेशों से भी आएंगे, दूसरे जनपदों से भी आएंगे, तो स्पेशल ट्रेन भी चलाई गई है जिनकी सूचनाएं जो है वो संबंधित 4-5 जो मेन रेलवे स्टेशन से वहाँ भी, मेट्रो के साथ भी हमारा समन्वय हुआ है। मेट्रो का जो है वो मेट्रो का भी संचालन जो है अलग अलग सेंटर्स के लिए होगा। साथ ही साथ जो इंटर डिस्ट्रिक्ट जो बसेज हैं उसके बारे में भी बात हुई है, और जो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट है मतलब जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से बसेज आएंगी वो बसेज भी ज़्यादा की गई है। रात में हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे जो है वो लेट नाइट में आए, उनके पास रुकने का स्थान ना हो, कई बार बस अड्डे और रेलवे स्टेशन बहुत भीड़ हो जाती है, तो उसके लिए पूरे लखनऊ में जो उनके सेंटर हैं उसके आसपास के लिए कुछ जगह चिन्हित की गई है जहां उनको थोड़ा होल्डिंग एरिया दिया जा सके, जिसमें वो अपनी रात बिता सके और सवेरे परीक्षा के लिए आ सके। तो ऐसा प्रबंध किया गया है कि उनको जो परीक्षार्थी हैं उनको भी असुविधा ना हो और जो आम जनता है उसको भी सुविधा ना हो। आम जनता के लिए इससे मेरा ये आग्रह है कि क्योंकि देखिए वो उस दिन लगभग मैंने जैसे आपको बताया कि प्रत्येक दिन जो है 1-1.25 लाख लोगों का आना जाना रहेगा, भारी लोगों का, तो कुछ ट्रैफिक डाइवर्जेंस भी जो है हम लोगों के द्वारा किए जाएंगे। बस अड्डे, रेलवे स्टेशन पे भी थोड़ा सा हो सकता है लोगों को असुविधा हो, लेकिन पूरा ध्यान रखा गया है, जिसको हम आपको प्रेस नोट दे देंगे उसके माध्यम से आपको क्या क्या सारी चीज़ें, कहाँ कहाँ डाइवर्जन है, सारी चीज़ें उसके बारे में हमने आपको उससे अवगत करा देंगे। ये देखिए आपको पहले ही बता दिया ना कि पर डे जो है 2 पालियों में है, पहली पाली 10 से 12 और दूसरी पाली जो है 3 से 5। तो पहली पाली में भी लगभग 40,000 के करीब बच्चे हैं और दूसरी पाली में भी लगभग 40,000 के बच्चे हैं, तो लगभग 80,000 एस्पिरेंट जो है, केवल एस्पिरेंट जो है वो एक पर डे आएंगे। उसके लिए अलग एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन और उसके लिए श्री कमलेश दीक्षित जी DCP साहब हैं, वो जिसको चीज को देख रहे हैं, और ये ऑप्शनल है, ये किसी को जबरदस्ती नहीं करना कि आपको वहां रहना है। हर आदमी अपने अपने साधन से आता है, ये उन लोगों के लिए है कि जिनको अगर कुछ भी व्यवस्था नहीं है तो वो वहाँ जाके अपना रात बिता सकते हैं। बारिश का मौसम है, बारिश में ना भीगे, समुचित वहाँ व्यवस्था की गई है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। तो वो अभ्यर्थी अगर वहाँ हर बच्चा तो गाड़ी से आता नहीं है, कुछ लोग मोटरसाइकिल से भी आएंगे, बस से भी आएंगे, क्योंकि राज्य सरकार ने इस बार जो बसें हैं उसमें मुफ्त किया है, तो ज़्यादातर हमें उम्मीद है कि बच्चे जो है वो रोडवेज की बसों से ही सफ़र करेंगे। मेडिकल अरेंजमेंट भी किए गए हैं, टीमों साहब के स्तर से विभिन्न परीक्षा केंद्रों से आसपास के जो मेडिकल
वहाँ संस्थान है जो मेडिकल स्वास्थ्य अस्पताल है, वहाँ पर लगभग लगभग 8 अस्पतालों पे जो है व्यवस्था की गई है, जो जनपद लखनऊ के विभिन्न अस्पताल हैं, सिंक्रोनाइज करते हुए कि कितने केंद्रों को कहाँ से सुविधा होगी किस अस्पतालों से, ऐसा सीएमओ द्वारा अपनी टीमें लगाई गई हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसी किसी को कोई मेडिकल असुविधा हो तो उसको तत्काल वहाँ पर उसको मेडिकल दिया जाए। अब देखिए, ये परीक्षा कल से शुरू हो रही है, हमारा ये आप लोगों से एक आह्वान है कि आप भी अपने माध्यम से, चाहे अखबार के, चाहे न्यूज़ चैनल के माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को अवगत कराएं इस चीज़ को, जो व्यवस्थाएं की गई हैं, और हमें पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि इस बार जो परीक्षा होगी बहुत अच्छे माहौल में होगी, साफ सुथरी परीक्षा होगी, और जो बच्चे मेहनत करते हैं इसके लिए उनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर होगा ये। इसके अलावा भी हम लोग बीच बीच में आप लोगों की ब्रीफिंग करते रहेंगे, क्योंकि कल पहला चरण शुरू हो रहा है तो ब्रीफिंग है, इसके अलावा भी अगर बीच में कुछ चीज़ें आएंगी तो आप लोगों को समय समय बता दी जाएगी। नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।